दोस्तों, हम लोग जब पोस्ट ऑफिस जाते हैं और कोई आर्टिकल या कोई आपका जो लेटर है वो पोस्ट करते हैं, चाहे स्पीड पोस्ट कराएं या रजिस्ट्री कराएं या कोई पार्सल कराएं, तो जब हम पोस्ट करा लेते हैं तो हमको एक रसीद मिलता है और उस रसीद के ऊपर एक नंबर लिखा रहता है, ट्रैकिंग नंबर है। ट्रैकिंग नंबर के मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि जो मेरा जो स्पीड पोस्ट किया हुआ जो सामान था या आर्टिकल था या लेटर था वो कहाँ तक पहुँचा, वो पाने वाले के पास पहुँचा या नहीं, या कहाँ रुका हुआ है। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, अपने क्रोम को खोलना है मोबाइल में और क्रोम पे लिखना है इंडिया पोस्ट, इंडिया पोस्ट, इंडिया पोस्ट लिख के सर्च करना है, जो पहला आएगा उसको क्लिक करना है। क्लिक करते ये पेज खुलेगा। इस पेज में आपको इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना आर्टिकल नंबर लिख देना है। जैसे आर्टिकल नंबर आप लिख सकते हैं, आर्टिकल नंबर को लिखने के बाद आपको इसमें बताना होगा कि ये कितना है। जैसे 6+5 है तो इसमें लिख देते हैं 11। 11 करने के बाद ये ट्रैक 9 पे क्लिक कर देना है, ये खुलेगा। उसमें पता चलेगा आपको, यहाँ देखिए खुला, और इसमें बता दिया कि कब ये लेटर कैसे कैसे कहाँ से कहाँ चला है। जैसे ये 15/7/2024 को ये आ चुका है पोस्ट ऑफिस में और आइटम डिलीवर हो चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए जो सो लास्ट है सबसे ऊपर उसमें लिखा हुआ है 15/7/2024 इतना बज के इतना मिनट फकराबाद BO आइटम डिलीवर्ड। तो इस तरह से आप सिंपली 2 मिनट के अंदर अपने से ही चेक कर सकते हैं। इसी तरह से जुड़े हुए वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।